हेलो एवरीवन, आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रियलिज्म के बारे में। रियलिज्म क्या है और कैसे ये जो है इंग्लिश लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये वीडियो जो है जो कैंडिडेट्स यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम, गेट एग्जाम या फिर टीजीटी पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट लेवल के इंग्लिश टीचर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन इंग्लिश लिटरेचर, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने जा रहा है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ में इस वीडियो को के देखने के साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ पहले व्हाट इज रियलिज्म, रियलिज्म क्या है इंग्लिश लिटरेचर में, ये डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रियलिज्म, रियलिज्म की जो क्या पीछे की जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है इसको डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियलिज्म, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं रियलिज्म के। देन व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ लिटरेरी रियलिज्म, लिटरेरी रियलिज्म की बात की जाए तो कौन से उसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रियलिज्म, कितने प्रकार का रियलिज्म जो है हमें पढ़ना है। देन व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ रियलिज्म। तो इस तरह से इस वीडियो को हम लोग जो है इन पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड हम लोगों ने किया है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है व्हाट इज रियलिज्म, ये रियलिज्म क्या है इसको हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो रियलिज्म का मतलब है, जैसे आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं इसी वर्ड से हमारा रियलिटी निकला है। रियलिटी का मतलब है जो एकदम जैसे जैसे हमारे सामने होता है उसको हम वैसे वैसे जो है प्रेजेंट करते हैं। तो रियलिज्म की बात की जाए तो लिटरेरी रियलिज्म इज अ लिटरेरी मूवमेंट ऑफ द 19th century। तो 19वीं शताब्दी के अंदर रियलिज्म जो है एक लिटरेरी मूवमेंट था जो चलाया गया, जो कि लगभग 20th century के मिड तक ये रहा। तो रियलिज्म का अगर हम लोग मीनिंग की बात करें तो रिप्रेजेंट द रियलिटी, यानी जो रियलिटी है यानी जो वास्तविकता है, जो भी हमारी डेली लाइफ के अंदर जो भी हमारे साथ एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जो भी रियल लाइफ के अंदर हमारे साथ एक्सपीरियंस होते हैं उसको एज इट इज़ प्रेजेंट कर देना जो है उसी को जो है रियलिज्म बताया गया है। क्योंकि यहाँ पर एक तरह से ये जो डेली लाइफ की बात की जा रही है, यहाँ पर जो भी पर्सन है वो सिटीजन हो सकता है उस कंट्री का यूरोप में, क्योंकि ये रियलिज्म जो मूवमेंट था यूरोप से निकला था। तो यूरोप के अंदर धीरे धीरे जो क्या हुआ था कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी वो बढ़ रही थी, तो उनकी डेली लाइफ की जो भी संघर्ष थे उनकी रियलिटी को प्रेजेंट करना ही उस समय के दौर में रियलिज्म था। इसके अलावा एक तरह से लिटरेरी रियलिज्म की बात की जाए, इट टेल्स अ स्टोरी एज ट्रूथफुल एज पॉसिबल इंस्टेड ऑफ ड्रामेटाइजिंग और रोमांटिजाइजिंग द थिंग, यानी जो भी स्टोरी हमारे सामने प्रेजेंट की जा रही है उसको एज इट इज एकदम ट्रूथफुली जो है पॉसिबल वे में प्रेजेंट कर देना, रैदर देन कि उसको बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज किया जाए, रोमांटिज्म किया जाए। जैसे कि खासतौर से आपने इस तरह की चीज़ों को बॉलीवुड मूवीज़ में आजकल जो है इंटरटेनमेंट में देखा जाता है। बट अगर आप करीबन अगर आप सत्यजीत रे की मूवीज़ देखेंगे तो सत्यजीत रे की मूवीज़ में जो रियलिटी है, जो भी एक डेली लाइफ के अंदर प्रेजेंट होता है एक पर्टिकुलर एक कॉमन सिटीजन के साथ, उसको रियलिज्म जो है बताया गया। ये मैंने बहुत लेमन टर्म में आपको बोल दिया, बता दिया। इसके अलावा एक तरह से इस रियलिज्म ने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक अलग तरह की राइटिंग को एक तरह से उसको बनाया, और यहाँ से एक बहुत तरह के अलग अलग जो ऑथर्स थे वो अमेरिकन लिटरेचर में और इंग्लिश लिटरेचर में जो है वो प्रोड्यूस हुए, उनका बर्थ हुआ। तो रियलिज्म जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा लिटरेरी मूवमेंट था, जो कहीं ना कहीं इसने हमारी लाइफ को, इवन सब पर्सन की लाइफ को जो है इसे इम्पैक्ट किया है। तो रियलिज्म के बारे में देखा जाए, अगर इसकी रियलिज्म की बात हम लोग जो है आर्ट्स और लिटरेचर में करें, तो यहाँ पर उन आर्ट्स एंड लिटरेचर के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन या जो प्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ का, ऑब्जेक्ट का या एक्शन का या फिर सोशल कंडीशन का, क्योंकि कहीं ना कहीं रियलिज्म जो यूरोप से निकला था तो उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो वहाँ का जो मिडिल क्लास फैमिली थी, जो कि जो आगे चल के बॉर्जुआ मूवमेंट्स में कन्वर्ट हुए, तो बॉर्जुआ मूवमेंट्स में जो एक तरह से वहाँ के जो पर्सन थे, सिटीजन थे, उनकी जो वहाँ पे जो जो जिस तरह की
जो जिस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया एक रिच फैमिली के द्वारा उनके द्वारा, तो उनको उनकी लाइफ को प्रेजेंट करने के लिए जो है एक तरह के मूवमेंट्स को ही रिलीजन मूवमेंट्स बताया गया। और यहाँ पर किसी भी तरह की जो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की गई वो एकदम रियलिटी में एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया गया। तो एक तरह का ये जो, क्योंकि उस समय से पहले जो था, रियलिज्म से पहले जो था, वो एक रोमांटिज्म का दौर था, इंडिविजुअल का दौर था। तो वहां पर जो है किसी भी चीज को प्रेजेंट करने को बहुत ज्यादा, मतलब एक क्या कहते हैं ना कि एक मानवीकरण किया गया था हर चीज का, नेचर का। तो ये एकदम रियलिज्म जो था रोमांटिज्म से एकदम अलग था। सो इट्स कंसर्न फॉर द फैक्ट और रियलिटी एंड द रिजेक्शन ऑफ द इम्प्रैक्टिकल एंड विजनरी काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि बहुत सारी ऐसी रोमांटिज्म के अंदर बहुत सारी ऐसी इम्प्रैक्टिकल और विजनरी थिंग्स थी जिनको रिजेक्ट किया गया इस रियलिज्म के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वॉट इज द हिस्ट्री और द ओरिजिन ऑफ रियलिज्म। ये कब स्टार्ट हुआ रियलिज्म, इसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो रियलिज्म की बात की जाए, ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस के अंदर, और फ्रांस में ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, और ये जो है लगभग लगभग पूरी दुनिया में 20th सेंचुरी तक रहा, मतलब उसके मिड तक रहा। इवन आज भी जो है काफी हद तक जो है रियलिज्म की बातें, क्योंकि 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अभी हाल में ही करीबन 21 साल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं रियलिज्म जो है हमारी भी आर्ट्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर जो है रियलिज्म के इम्पैक्ट को देखा जाता है। इसके अलावा कुछ हद आप इसे कह सकते हैं कि जो 18th सेंचुरी में जो रोमांटिज्म प्रोड्यूस हुआ था वो इसके, मतलब रियलिज्म जो था उस रोमांटिज्म के एकदम जो है उसके विपरीत है, एकदम अपोजिट है। और कहीं ना कहीं जो बॉर्जुआ, जो यूरोप के अंदर बॉर्जुआ मतलब समथिंग लाइक योर, आप कह सकते हैं उसे मिडिल क्लास फैमिली जो थे यूरोप के अंदर वो ज़्यादा होने लगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से एक एक मिडिल क्लास वर्ग जो था वो बढ़ने लगा, वो पैदा हो गया, जहाँ की उनकी जो जिंदगी की जो डेली लाइफ की जो संघर्ष थे, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन था जो कि रिच फैमिलीज वाले करते थे, जो उच्च वर्ग के लोग करते थे, तो उनको जो है रियलिज्म के अंदर रखा गया, उनके अंदर उनको बताया गया। तो रियलिज्म जो था कुल मिलाकर उन्हीं की लाइफ को प्रेजेंट करना आर्ट्स के फॉर्म में, लिटरेचर के फॉर्म में ये था। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियलिज्म। ये इसके कौन कौन से फीचर्स हैं रियलिज्म के, जरा देखते हैं। तो रियलिज्म के अंदर कुल मिलाकर जो इमेजिनेशन की जो एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी जो थी प्रेजेंट की जाती थी रोमांटिज्म के अंदर, उस इमेजिनेशन को, उस आइडियलिज्म को जो है रियलिज्म ने एकदम रिजेक्ट कर दिया, है ना, क्योंकि रियलिटी को प्रेजेंट करना था। तो यहां पर एकदम रियलिटी को प्रेजेंट करने के लिए जो क्लोज डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव जो स्टडी थी, जो उसकी एक उसका पोर्ट्रेल था, उसको बना के जो था एक, जैसे कहते हैं ना कि एक रियलिटी में एक फोटो आपके सामने प्रेजेंट की जाती है, तो जो प्रेजेंट है आपकी रियलिटी में उसको एज इट इज जो है अगर आप कैनवस में, आप पेंटिंग में प्रेजेंट कर दें तो वही जो है एक तरह का रियलिज्म है। और इसके अलावा कुल मिलाकर जो है ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया, एम्फेसाइज किया व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज ट्रू। ओके, तो जो वास्तविक में, जो वास्तविकता में जो वास्तविकता है, जो एकदम सच्चाई है, उसको एज इट इज जो है प्रेजेंट कर देना, यही जो है एक तरह का रियलिज्म है। और यहाँ पर जो, क्योंकि कुल मिला के जो सोसाइटी थी उस समय की, जो सोशल क्लास थी, मिडिल क्लास फैमिली थी, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल पावर और सोशल पावर भी बढ़ रही थी। तो उनकी जो लाइफ थी, उन लोगों की जो लाइफ थी, उनको रियलिज्म के अंदर धीरे धीरे इंपॉर्टेंस दी गई, और उनको बताया गया, लोगों को बताया गया कि भाई नहीं, रियलिटी में लाइफ इस तरह की होती है, किस तरह से संघर्षपूर्ण जो है वास्तविकता में हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये जो है रियलिज्म के अंदर पोर्ट्रेट किया गया, बताया गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग लिटरेरी रियलिज्म की बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि आपको लिटरेचर के अंदर देखने को मिलेंगे रियलिज्म के अंदर, उनकी भी हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स की हम लोग बात करें तो जो कैरेक्टर बिल्ड, जो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, या फिर एक तरह से लिटरेचर का जो सेटिंग होता है वो एकदम रियलिस्टिक बेस्ड होता है, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होती है कि भाई। तो जिस तरह से एकदम कैरेक्टर जो होता है रियलिटी के अंदर, तो उस कैरेक्टर को एज इट इज प्रेजेंट कर देना लिटरेचर के अंदर,
और उनकी जो सेटिंग्स हैं, मतलब सेटिंग मतलब एक तरह का प्लॉट जो हम लोग खास तौर से नॉवेल्स के अंदर देखने को मिलता है, तो नॉवेल्स में एक आम आदमी के साथ ज़िंदगी में जो गुजरता है उसी तरह के प्लॉट को मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है रियलिटी के बेस पर रखना, यही जो है लिटरेरी रियलिज्म की सबसे खास बात है। इसके अलावा जो भी हमारी एवरीडे लाइफ में इवन जो दिन प्रतिदिन हमारे साथ होता है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल प्रेजेंट करना लिटरेचर के अंदर, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिटरेरी रियलिज्म का। इसके अलावा जो डायलॉग इवन जो रियल डायलेक्ट्स हैं, मतलब किसी भी जैसे अगर हम लोग किसी भी एक लिटरेचर को देखते हैं, कोई भी ऐसी पुस्तक देखते हैं जो कि हम लोग कहानी देखते हैं जो कि उस पर्टिकुलर रीजन की है ना, तो उसके अंदर जो डायलॉग डिलीवरी भी होती है आप देखोगे वो भी आम बोल भाषा जो होती है उसी एरिया की। जैसे अगर हम लोग जो हैं आप बिहार की बात करें या फिर यूपी की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, तो वहाँ पर जो है जो उस समय का मतलब एक तरह का जो प्रेजेंट स्टोरी प्रेजेंट की गई है वहाँ की उस पर्टिकुलर रीजन की, तो जो डायलॉग डिलीवरी भी होगी ना वो भी उनके लोकल लैंग्वेज के अंदर होगी। अगर यही बात है मैं अगर राजस्थान या मध्य प्रदेश के किसी भी लोकल एरिया की बात करूँ तो जो डायलॉग डिलीवरी होगी उस स्टोरी के अंदर वो उस पर्टिकुलर लोकल एरिया की होगी, तो यही जो है हमारा डायलेक्ट्स को प्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर लिटरेरी रियलिज्म के अंदर। इसके अलावा जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, जैसा कि मैंने बताया कि जो कैरेक्टर को बिल्ड किया जाता है लिटरेरी लिटरेरी रियलिज्म के अंदर वो भी एकदम रियलिटी बेस्ड होता है, उस कैरेक्टर को पहले एक तरह से डेवलप करने के लिए पूर्ण तरह से डेवलप करने के लिए काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं उस कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा जो सोशल क्लास है ना, जो हमारी जो आजकल की भी इवन सोशल क्लास है या पर्टिकुलर कोई भी सोशल क्लास है जिस पर्टिकुलर रीजन के बारे में वो बताई गई है, जो स्टोरी है कोई लिटरेरी मूवमेंट्स है या लिटरेचर से रिलेटेड कोई कहानी हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी जो रियलिटी है ना सोशल क्लास की इवन हायरार्की स्ट्रक्चर है तो उसको प्रेजेंट कर देना, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिटरेरी रियलिज्म के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं इंग्लिश लिटरेचर के जो कि प्रेजेंट किए जा रहे हैं बीएसआई एकेडमी के द्वारा, जिसमें यूजीसी नेट कोर्स, सेट एग्जाम कोर्स, टीजीटी पीजीटी कोर्स, जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स जो कि स्टेट पीएससी या फिर आपके किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जो हैं, इवन आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स जो हैं हमारे बीएसआई एकेडमी द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। इन कोर्सेज के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। अब हम लोग जो है आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रियलिज्म, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं रियलिज्म के और उनका क्या मीनिंग है ये भी जरा देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है आपका मैजिकल रियलिज्म, देन सोशल रियलिज्म, किचन सिंक रियलिज्म, सोशलिस्ट रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, और आखिरी में है साइकोलॉजिकल रियलिज्म। मैं एक बात इनमें ये जो हम लोग रियलिज्म के जो टाइप्स हैं इनके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सोशल रियलिज्म है और जो सोशलिस्ट रियलिज्म है इन दोनों में डिफरेंस है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि सोशल से ही सोशलिस्ट निकला है, ठीक बात है, बट सोशल रियलिज्म और सोशलिस्ट रियलिज्म में काफ़ी डिफरेंस है जो हम लोग जो है आगे के पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है आते हैं अपने मैजिकल रियलिज्म के बारे में। तो नाम से पता चल रहा है कि रियलिटी के अंदर कुछ ऐसा प्रेजेंट कर देना, यानी अगर रियलिटी के अंदर आप कुछ मैजिकल एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दोगे तो ये जो है मैजिकल रियलिज्म बन जाएगा। तो यानी रियलिटी के अंदर कुछ एक हद तरह का कुछ वर्चुअल प्रेजेंट कर देना, है ना, जैसे खास तौर से आप इस तरह की जो लिटरेरी इस तरह का जो मैजिकल रियलिज्म है आजकल के बहुत सारे जो नॉवलिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं। तो मैजिकल रियलिज्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रियलिस्टिक फिक्शन विद द मैजिकल मोमेंट्स, तो कुछ ऐसी मैजिकल मोमेंट्स उन रियलिटी के अंदर प्रेजेंट कर देना उसी को जो है मैजिकल रियलिज्म कहा गया है। और खास तौर से ऐसा जो है ना जो ऑथर करते हैं जिनमें गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ जो कि कोलंबियन नॉवलिस्ट बहुत फेमस नॉवलिस्ट रहे हैं अपने समय में, और सलमान रश्दी, इनके बारे में आप सभी जानते होंगे, देन हरुकी मुराकामी जो कि जापानीज नॉवलिस्ट हैं बहुत फेमस है, इवन इंडिया में भी नावरुण भट्टाचार्य जो हैं उनका नाम जो है मैजिकल रियलिज्म के अंदर आता है। तो मैजिकल रियलिज्म के बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा, बट अभी जो है फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि मैजिकल रियलिज्म जो है आपके जो मैजिकल
जो इवन जो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं यानी मैजिकल्स में, जैसे आप अगर गैब्रियल मार्सिया मार्कस के नॉवेल्स देखें तो उसमें जितने भी मेल प्रोटोगनिस्ट हैं या मेल कैरेक्टर हैं उन सभी का नाम जो है लगभग जो है एक ही होता है लगभग। आप अगर 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा उनके सारे कैरेक्टर्स के नाम एक ही हैं, तो बस कुछ डिफरेंस है केवल। तो ये जो है कहीं ना कहीं मैजिकल रियलिज्म को प्रेजेंट करता है। देन नेक्स्ट हमारे सामने आता है सोशल रियलिज्म। सोशल रियलिज्म के अंदर जो है आपके साथ अगर देखा जाए तो जो सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस है वर्किंग क्लास की, इसके अंदर जो रियलिटी है यानी अगर आप देखा देखें तो जो रियलिटी के अंदर जो मिडिल क्लास फैमिली है या वर्किंग क्लास फैमिली है उसके ऊपर सोसाइटी की और पॉलिटिकल कंडीशंस की सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको प्रेजेंट करना ही जो है सोशल रियलिज्म के अंदर आता है। इसके अंदर अगर देखा जाए कि जो पावर स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी का, कि सबसे नीचे जो है वर्किंग बीच में जो है वर्किंग क्लास है, उससे नीचे पॉवर्टी लाइन वाले पीपल है, और जो सबसे ऊपर जो है वो वर्किंग क्लास से भी जो ऊपर जो है जो इवन जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उस पावर स्ट्रक्चर को आप चाहें तो आप जो है इसे पिरामिड स्ट्रक्चर में जो है बता सकते हैं इस तरह से। तो नीचे जो है पॉवर्टी पीपल लोग हैं, बीच में मिडिल क्लास पीपल है, और जो सबसे ऊपर है वो अपर मिडिल क्लास या सबसे टॉप क्लास के जो लोग हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट करना सोशल रियलिज्म को पावर स्ट्रक्चर के अंदर के बीच में, और साथ में उनके पीछे की जो कंडीशंस हैं, उनके पीछे की जो वर्किंग क्लास के पीछे की जो एक्सप्लॉयटेशन या फिर रियलिटी है उसको प्रेजेंट करना जो है सोशल रियलिज्म में आता है। इसमें जो कुल मिलाकर यह है कि जो एक तरह का जो ऑप्रेसिव क्लास है, मतलब एक तरह का बोला जाए कि जो टॉप लेवल के जो लोग हैं और जो मिडिल क्लास फैमिली के जो बीच में जो लोग हैं उनके बीच में जो एक ऑपरेशन है ऑपरेसिवनेस है, उनके बीच में जो आपस में जो अपोजिट फोर्सेस हैं और या फिर आप इन्हें हैजमोनिक फोर्सेस कह सकते हैं, उनके बीच में जो एक मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं जो विक्टिम्स हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मतलब वर्किंग क्लास से लोग आते हैं। तो इस रियलिटी को कुल मिलाकर प्रेजेंट करना तो उनके बीच वाले टेंशन में ये सोशल रियलिज्म में देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इसमें आता है किचन सिंक रियलिज्म। ये तीसरे तरह का रियलिज्म है जिसके अंदर आप देखें तो इस तरह का जो किचन सिंक रियलिज्म जो है ये ब्रिटिश में स्टार्ट हुआ था, यूके में स्टार्ट हुआ था, एक तरह का एक कल्चरल मूवमेंट था, और खास तौर से 1950s में और 60s में जो हॉलीवुड मूवी भी बनी थी वो किचन सिंक रियलिज्म से रिलेटेड थी। तो किचन सिंक रियलिज्म का मतलब ये हो गया कि जो पीछे की जो, क्योंकि आप अगर उस समय का जो ड्रामा देखोगे तो उस समय के ड्रामा के अंदर जो वर्किंग क्लास के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे काम थे होते थे उनको करते थे, तो उसी से ये किचन सिंक रियलिज्म आया है। तो ये ब्रिटिश में स्टार्ट हुआ, यूके में स्टार्ट हुआ था 50s में 60s में, और जो कुल मिलाकर मैंने आपको बताया ना कि वर्किंग क्लास की ऑर्डिनरी वर्किंग क्लास की जो कि बहुत कॉमन पीपल हैं, जो कि उस समय के जो रेस्टोरेंट्स के अंदर होटल्स के अंदर जो छोटे मोटे जो काम करते थे उनके जो डेली के स्ट्रगल्स थे वर्किंग क्लास के, उनको जो है किचन सिंक रियलिज्म के अंदर प्रेजेंट किया गया। और यहाँ पर जो है बहुत तरह के इस 50s में 60s में बहुत तरह के जो जो आप बोल रहे कि जो लिटरेरी मूवमेंट्स के अंदर आप टॉपिक रहे, तो इसमें बहुत तरह के टैबू सब्जेक्ट हुए जैसे अडल्ट्री, प्री मैरिटल सेक्स, अबॉर्शंस, क्राइम। तो इस मूवमेंट्स में 50s में 60s में इनको जो है लिटरेचर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इन सब्जेक्ट्स को पार्ट बताया गया, और वहां पे जो है लोगों ने लिटरेचर के अंदर इन टॉपिक्स को जो है सबसे ज्यादा रखा। देन नेक्स्ट इसमें आता है कि जो ये जो टर्म है किचन सिंक रियलिज्म जो था, जो टर्म है ये डेविड डेविड सिल्वेस्टर ने ये कॉइन किया था इस टर्म को किचन सिंक रियलिज्म को। अब कुछ किचन सिंक प्लेस भी हैं जिसमें लुक बैक इन एंगर, माई फ्लैश माई ब्लड, अ टेस्ट ऑफ हनी, स्पैरो कांट सिंग, अप द जंक्शन और देन कैथी कम हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट किचन सिंक ड्रामा है उस समय के 50s के 60s के। देन नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट रियलिज्म। अब देखो ये सोशल रियलिज्म से एकदम अलग है क्योंकि ये जो सोशलिस्ट रियलिज्म जो है ये रूस में स्टार्ट हुआ था, रशिया में स्टार्ट हुआ था, और यहाँ उस समय के जो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जो रशियन रेवोल्यूशन जो था 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ जो कि लेनिन से स्टार्ट हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट था स्ट्रगल था प्रोलेटरिक्स का,
यहां से जो है सोशलिस्ट रियलिज्म स्टार्ट हुआ, जिसे जो है उस समय जो था जो कहीं ना कहीं जो रशिया में जो है देखने को मिला, क्योंकि जो रशियन रेवोल्यूशन है अगर आप पीछे की हिस्ट्री देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन की, तो 1917 के अंदर जिसे आप इसे रूसी क्रांति कह सकते हैं हिंदी के अंदर, तो ये उस समय की जो जिस पूरी की जो पूरी जो पॉलिटिकल पावर थी ना वो केवल कुछ ही लोगों में थी, तो और कहीं ना कहीं जो वर्किंग क्लास के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं वो पिस रहे थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रहा था। तो उन फोर्सेस को जो है लेनिन ने स्टार्ट किया, लेनिन ने उनको एकत्रित किया और उस समय के जो राजा महाराजा थे रशिया के उनके ऊपर अटैक किया एक तरह का, और कि इवन आप अगर हिस्ट्री में देखें तो रशिया के ऊपर जिनका जो जो राज करते थे उस समय उनकी परिवार को जो है इस सोशलिस्ट रियलिज्म में एकदम उनको मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी डेथ हो गई। देन इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो कि नॉवल में हमें देखने को मिलता है 1925 का सीमेंट, जो कि बाय द फॉर्डर गैलाडोकोव ने लिखा था। देन नेक्स्ट आता है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म कहीं ना कहीं वर्ड से स्टार्ट होता है कि जो एकदम नेचुरली जो है स्टार्ट होता है, दैट्स नॉट नेचुरलिज्म। तो इस तरह की जो भावना है या इस तरह का जो फिलॉसफी है कि ये बताती है कि जो भी हमारी ये मानते हैं कि इट एक्सप्लोर द बिलीव दैट साइंस कैन एक्सप्लेन ऑल द सोशल एंड एज वेल एज द एनवायरमेंटल फिनोमिना, यानी जो साइंस है ना वो सोशल सोसाइटी की और एनवायरमेंट के सभी फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकता है। कौन कर सकता है? हमारा विज्ञान कर सकता है। और ये जो नेचुरलिज्म का जो फिनोमिना है, ये नेचुरलिज्म की जो ये फिलॉसफी है, ये स्टार्ट करती की थी एमिली ज़ोला ने। ओके और यहाँ पर जो बेस्ट जो इसका इस नेचुरलिज्म का जो एग्जांपल है नॉवेल्स में आप कह सकते हैं अ रोज फॉर एमिली बाय द विलियम फॉकनर, जो कि 1930 में लिखा गया था। देन लास्ट आता है साइकोलॉजिकल रियलिज्म। साइकोलॉजिकल रियलिज्म के अंदर यानी एक तरह का जो कैरेक्टर के अंदर यानी कोई भी चीज कोई पर्टिकुलर पर्सन करता है। अब ये जो पर्सन है मान लीजिए एक लिटरेचर के अंदर या नॉवेल के अंदर एक कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के अंदर कौन कौन सी बातें आ रही हैं जो उसे पर्टिकुलर टास्क को करने के अंदर मोटिवेट कर रही हैं लिटरेचर के अंदर, या वो किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन ले रहा है, ऐसा क्यों ले रहा है, इसी को हम लोग जो है साइकोलॉजिकल रियलिज्म के अंदर रखते हैं। और इसके अंदर जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्राइम एंड पनिशमेंट बाय द फॉर्डर डॉस्की, जो कि 1866 में लिखा गया था। और जो फॉर्डर डॉस्की है ये रशिया के अब तक के बहुत बेहतरीन नॉवलिस्ट के अंदर आते हैं। और क्राइम एंड पनिशमेंट जो है आप पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छा नॉवल है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन जो है क्राइम के दुनिया में आता है, एक खून कर देता है अपनी लैंडलॉर्ड का, और उसके बाद वो कैसे छिपता है और कौन सी गिल्टी फीलिंग उसके अंदर आती है, इस क्राइम एंड पनिशमेंट का जो पार्ट आता है देखने को मिलता है। अब कुछ एग्जांपल हैं रियलिज्म के, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। डेफिनेटली ये सारे फिक्शन बेस्ड नॉवेल्स हैं लिटरेचर के अंदर जो कि रियलिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर अगर देखा जाए द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन बाय द मार्क ट्वेन, जो कि लिखा गया था मार्क ट्वेन के द्वारा 1860s के अंदर। देन द रेड बैच ऑफ करेज बाय द स्टेफन क्रेन, ऑफ माइज एंड मैन बाय द जॉन स्टेनबेक, लाइफ इन द आयरन मिल्स बाय द रेबेका हार्डिंग डेविस, वैनिटी फेयर बाय द विलियम मेकपीस थैकरे, एंड द हाउस ऑफ मर्थ बाय द एगेट वॉर्टन। देन नेक्स्ट है इसमें द जंगल बाय द ऑप्टन सिंक्लेयर, देन द डेजी मिलर बाय द हेनरी जेम्स, द कॉल ऑफ द वाइल्ड बाय द जैक लंडन, मिडल मार्च बाय द जॉर्ज इलियट, जेन एयर बाय द चार्लट ब्रॉन्टे, एंड द लास्ट है द ग्रेप्स ऑफ द रेथ बाय द जॉन स्टीनबेक। ओके तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द रियलिज्म। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर आज का यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। इसके अलावा हमारे कोर्सेज के अंदर इनरोल के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन अगर आता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, डेफिनेटली जो है हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।